हमारे एक पदाधिकारी श्री आलोक कुमार जो उप सचिव निर्वाचन विभाग में थे, उनको एक सोशल मीडिया पर जो मेरा बासा का आंतरिक ग्रुप है उस पर पोस्ट करने के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार कर लिया गया उनके द्वारा। कल हम लोगों ने कार्यकारिणी की बैठक की और उनके गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध किया। वो जो गिरफ्तारी का कारण था एकमात्र कार्टून था। उस कार्टून पर किसी की भी धार्मिक भावना को कोई विशेष ये नहीं पहुंचाएगा, ठेस पहुंचाने का कोई शब्द नहीं लिखा गया था उसमें। लेकिन पुलिस द्वारा, आपराधिक इकाई द्वारा उसमें लिखा गया कि इन्होंने सांप्रदायिक दंगा फैलाने इत्यादि का कार्य किया है और उस आधार पर उनको कस्टडी में ले लिया गया। जबकि ऐसा कोई उसमें उस पोस्ट में कोई ऐसा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं था। कल हम लोगों ने बैठक की और निर्णय लिया कि पूरे बिहार में हम लोग इसका विरोध करेंगे। और सभी सदस्यों में, मेरे सदस्यों में मतलब इसका काफ़ी आक्रोश था और सभी लोगों ने आज काला बिल्ला लगाकर और सरकारी कार्यों का निष्पादन किया पूरी एकता के साथ। हमारे जितने भी बंधु थे सभी जिला इकाइयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस घटनाक्रम के बाद सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव के माध्यम से वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया गया। मुख्य सचिव ने से हम लोगों की वार्ता हुई। उनको हम लोगों ने सारे घटनाचक्र से अवगत कराया और हम लोगों ने, चूँकि FIR में एक वरीय पदाधिकारी का नाम आ रहा है कि उन्हीं के कहने पर हमने FIR लॉज किया है, वो लिखा हुआ है FIR में, तो हम लोगों ने जानना चाहा कि वरीय पदाधिकारी कौन है। तो बहुत ईमानदारी से उन्होंने कहा कि मैं कहीं धर्मशाला में था और वो पोस्ट किसी व्यक्ति ने किया था हमको, हमने बिना जांच किए, बिना उसको ये किए हमने फॉरवर्ड कर दिया था संबंधित, हाँ मुख्य सचिव ने कहा। और उन्होंने स्वीकार किया कि उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया जांच के लिए फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन पुलिस इतनी जल्दीबाजी में कार्रवाई करेगी बिना कोई नोटिस के, उन्होंने इस पर काफ़ी दुख व्यक्त किया। और हम लोगों ने कहा भी कि कोई पोस्ट ऐसा नहीं था। जैसे ही पोस्ट के बारे में जानकारी मिली सदस्य को कि नहीं, ये हमसे कुछ गलती हो गई, ये कार्टून नहीं मात्र किसी की भावना इसे ठेस पहुंच रही है, तो उन्होंने तुरंत उसको डिलीट भी कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये एग्रेसिव वे में वो पोस्ट किए जा रहे थे, उन्होंने एक सिंपल पोस्ट किया और उसको डिलीट कर दिया। तो आज मुख्य सचिव महोदय ने सारी घटना को, हम लोगों ने उनको ये भी कहा कि ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई ये है तो 41A के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का नॉर्म्स है नोटिस देना चाहिए था। हमारे अधिकारी कोई चोर उचक्के नहीं है और अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है कि उनको तुरंत पकड़ के और जेल भेज दिया जाए। वो जब बुलाएंगे तब आने के लिए तैयार हैं। हम लोगों ने उसका विरोध किया, उन्होंने दुख भी व्यक्त किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पूरे घटनाचक्र पर नज़र रखे हुए हैं और जो भी हमसे सहयोग होगा वो हम करेंगे। और जो भी पीड़ित पदाधिकारी हैं उन्हें कोई कोरेसिव एक्शन उनके विरुद्ध नहीं हो, वो सामान्य प्रशासन को उन्होंने कहा कि इन पर कोई कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई वगैरह नहीं किया जाए। और यथाशीघ्र उन्होंने कहा इसका, इस बात का केस का अनुसंधान करा के और हम प्रयास करेंगे, अगर दोषी निर्दोष होंगे तो उन समाप्त किया जाएगा। आश्वासन के आधार पर निर्णय लिया है कि तत्काल हम लोग 4-5 दिन वेट एंड वॉच करें और देखें कि सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई की जाती है, उसके बाद हम लोग अगली रणनीति तय करें। जिस पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई की, हाँ, उस पर एक्शन की भी आप लोग कोई डिमांड बिना जांच के सीधे किसी की सरकार के पदाधिकारी को जेल में, ये तो तर्कसंगत नहीं है। तो ऐसे अरे ये न्यायालय का मामला है, उन्होंने और ये भी किया है, ये न्यायालय में हम जाएंगे, वो जाएंगे, पीड़ित पक्ष जाएंगे, जो भी दोषी होंगे कि जो बिना नोटिस के 41A जो पेंडेमिक में था और बिहारी के केस में था कि नहीं भाई, जिसमें 7 वर्ष से कम की सज़ा का प्रावधान है उसमें बिना नोटिस के, और वैसे केस जो बहुत गंभीर नहीं मामले हों उसमें गिरफ्तारी नहीं करें, उन्होंने नहीं किया तो उनके विरुद्ध जरूर जाएंगे, पीड़ित पक्ष जरूर जाएगा। कानूनी करेंगे, सरकार से भी डिमांड आप लोग की है? हाँ, ये तो सरकार से डिमांड है हमारा कि
तो देखिए हमारे सेवा के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, और जहाँ बुलाएंगे आप, कोई अपराधी प्रकृति के नहीं है कि भाग जाएंगे, जहाँ बुलाएंगे जब बुलाएंगे तैयार हैं आने के लिए, उसके बाद ऐसी घटना ये की जाएगी, प्रताड़ित किया गया, वो दुखद है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।